आज हम बना रहे हैं खजूर वाला दूध, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 8 खजूर ली हैं, 2 गिलास दूध ली है जिसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं इसके छिलके निकाल रही हूँ। ये इसमें से जो बीजे होते हैं इनको हम अलग कर लेंगे, फिर इसको हम दूध में डालेंगे। और इस दूध को बनाने में मैं चीनी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करूँगी, क्योंकि खजूर में ऑलरेडी चीनी होती है। ये दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए इसको तो ज़रूर पीना चाहिए। और ये शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। दूध को अच्छे से बॉईल कर ले। जब दूध में अच्छे से 1-2 बॉईल आ जाएंगे तब हम इसमें खजूर ऐड कर देंगे और फिर खजूर को हल्का सॉफ्ट होने तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। बस 4-5 मिनट लगेंगे, उसके बाद हमारा दूध तैयार हो जाएगा। दूध में बॉईल आ गया, अब इसमें ये सीडलेस खजूर ऐड कर दें और फ्लेम को कर दें लो और फिर हम इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। दूध और खजूर दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और खजूर हल्की सॉफ्ट भी हो गई है। इसमें मैंने चीनी बिल्कुल नहीं डाली, आप अपनी इच्छा अनुसार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही। अब ये हमारा खजूर वाला दूध बनकर तैयार है। इसको मैंने लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक कुक किया, अब हम इसको सर्व करेंगे। अब मैं खजूर के दूध को सर्व कर रही हूँ। शानदार खजूर का दूध बनकर तैयार है। आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर पिएं। मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।